ये कभी देरी नहीं होती है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ। मेरे संस्कार भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं और कांग्रेस पार्टी के संस्कार से, विचारधारा से मेरे संस्कार मैच नहीं करते हैं, तो मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। ऐसा माना जा रहा है कि आपके यहाँ कोई कार्रवाई हुई थी कांग्रेस की तरफ से, ऐसा कहा जा रहा है, इस वजह से दबाव था। देखिए मैं अपनी इच्छा से और अपनी खुशी से अपने लोगों के बीच में आई हूँ। किसी भी तरह से मुझे लगता है पहले भी मैंने निर्णय लिए थे तो कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार में आने के बाद मुझे जो सुकून मिला है, मुझे खुशी है कि मैं अपने परिवार के लोगों के बीच में हूँ। गोविंद सिंह जी के साथ में आप कभी विपक्ष में रही हैं, प्रतिद्वंदी रही हैं, लेकिन अब दोनों साथ में हैं, साथ में काम करेंगे। देखिए सभी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता होने के नाते सब मिलजुल के पार्टी के लिए काम करते हैं। और सबसे मुख्य वजह आज जो हमारा देश है, देश को एक स्ट्रांग लीडरशिप की ज़रूरत है, वो नेतृत्व हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में है, नरेंद्र मोदी जी के बीच में। हम सब मिलके काम करना चाहते हैं, इसीलिए मैं इधर हूँ। गुड्डू बुंदेला से तो आपके अच्छे संबंध थे, लेकिन अब गुड्डू बुंदेला कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो कैसा माहौल रहेगा? कांग्रेस ये कह रही है कि आपके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि लगातार इस तरीके से जो आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उसको लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था, उसी के लिए आप बीजेपी फिर से ज्वाइन की है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है जिनको बातें जो करनी है वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, सभी स्वतंत्र हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए, लेकिन मैं अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, और जैसा मैंने कहा, मेरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी से मेरे संस्कार मैच नहीं करते हैं, इसीलिए मैं अपने परिवार में वापस आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी से कोई डिमांड रखा आने से पहले? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी तरह से अपने परिवार में, आप जाने से पहले कोई डिमांड रखते हैं क्या? गुड्डू बुंदेला वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के गलत फैसलों के कारण भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराना, धारा 370 हटाने का विरोध करना, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले जिसके कारण कांग्रेस के विचारवान मित्र आहत हैं और उनको लगता है कि वैसी कांग्रेस में रहने का कोई फायदा नहीं है। अब कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि उनकी सर्वश्रेष्ठ नेत्री ही चुनाव नहीं लड़ रही, सोनिया मैडम ने मैदान छोड़ दिया, रायबरेली बताओ यहां से इंदिरा जी लड़ी, वहां कांग्रेस के पास उम्मीद आ रही नहीं है। कांग्रेस के अधापतन की पराकाष्ठा है ये। अमेठी में जहां राहुल बाबा चुनाव लड़ते थे, भाई उम्मीदवार नहीं है, राहुल तो चले गए छोड़ छाड़ के, वहां से छोड़ के हम तो चले प्रदेश। अपने घर में ही कांग्रेस की जड़ें नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस देश की जड़ों से नहीं जुड़ी। हमारा तो स्लोगन ही ये है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, भारत को 21 शताब्दी का भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे और मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन का प्रदेश बनाएंगे। और बहुत सारी योजना है, क्योंकि चुनाव की बेला है, आया राम गया राम की स्थिति में से बाहर आकर के केवल हमारे बीच में अच्छा काम करने वाले लोग आ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बड़े बड़े नेता जो 50-50 साल से राजनीति करने की बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि अपने चुनाव क्षेत्र को चुनाव के बाहर जाकर के 2-4 लोकसभा की सभा ले लें। बड़े बड़े नाम इनके एक ही एक जगह जाकर के जान बचाने के लिए अपनी अपनी जगह हाथ जोड़ के जुड़ा रहे। लेकिन ये कांग्रेस की दुर्दशा क्यों हुई? कांग्रेस की दुर्दशा इनके कारण ही हुई। ये भगवान राम का उपवास करते थे और आज दुआ कर रहे हैं कि हम जीते। जनता सब जानती, दोहरा चरित्र तो सब ध्यान में आता है, हमने सबने देखा है। और जिस प्रकार से कल पैसे पकड़ाए, कोई दुआ करके रास्ता बदलना चाहता, भगवान राम का वैसे तो जीवन भर विरोध करते रहे और कह रहे चंदा हमने भी दिया, तो भगवान केवल चंदे के भूखे क्या? ये चंदे का धंधा तुम्हारा होगा, भगवान का नहीं। अपने आप में गिरेबान में झांक करके देखो कि आपके कर्म कैसे हैं कि जनता आपके साथ जाना नहीं चाहती है। मेरी अपनी ओर से परिवार के सभी मित्रों का अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।